दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि जब हम हमारे विंडोज पीसी को फॉर्मेट कर लेते हैं, तब से कुछ हार्ड ड्राइव पार्टीशन हमारे सिस्टम पे जो विंडोज फाइल एक्सप्लोरर है उसमें शो नहीं करते हैं, या फिर कभी कभी तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव भी शो नहीं करते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो बेसिकली डिस्क मैनेजमेंट लेवल पे कुछ सेटिंग्स गड़बड़ हो जाने की वजह से हमें अक्सर इस तरह के इश्यूज को फेस करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं इस तरह के इश्यूज को फेस करने की कुछ आसान सेटिंग्स, जिसके चलते आप हार्ड ड्राइव पार्टीशन नॉट शोइंग या फिर मिसिंग इशू को इजीली फिक्स कर सकते हो। वेल, अगर आप वो सभी सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस्पाल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस तरह की इशू को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले विंडोज फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, फिलहाल मेरे सिस्टम पे यहाँ पे दो ड्राइव पार्टीशन शो हो रही है, जो कि है सी एंड डी। ओके, अब पहले वाला सिचुएशन पे सेज यहाँ पे तीन ड्राइव पार्टीशन शो होना था बजाय दो ड्राइव पार्टीशन के। तो अब थर्ड पार्टीशन को वापस शो करवाने के लिए आपको सिंपली दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हुए जाना है मैनेज ऑप्शन पे। फिर ये विंडो ओपन होने के बाद अब लेफ्ट साइड पे देखिए एक ऑप्शन डिस्क मैनेजमेंट, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट विंडो शो होने लगेगा कुछ इस तरह। अब आप इस सेक्शन पे देखिए एक ड्राइव पार्टीशन है जो कि है टीटीई डेमो, और इस वॉल्यूम का साइज है लगभग 5 GB, लेकिन ये पार्टीशन विंडोज फाइल एक्सप्लोरर पे शो नहीं हो रही है। इसका जो मेन रीजन है वो है ड्राइव लेटर पाथ असाइन ना होने की वजह से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर सी लिखा हुआ है या फिर डी लिखा हुआ है, लेकिन इस पे ऐसा कुछ नहीं है इस वजह से। अब ये इशू को फिक्स करने के लिए आपको सिंपली इस तरह का जो वॉल्यूम है इस पे राइट क्लिक कर लेना है, और इन सभी ऑप्शन में से चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स पे क्लिक कर लेना है। फिर यू विंडो ओपन होने के बाद एड बटन पे, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन में से असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन इस ड्रॉप डाउन मेनू से आप किसी को भी चूज कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूं, और फिर ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये वॉल्यूम पे भी ड्राइव लेटर पाथ सक्सेसफुली असाइन हो चुके हैं। चलिए विंडोज एक्सप्लोरर को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट अब आप देख सकते हैं ये ड्राइव पार्टीशन वापस शो होने लगे हैं। ओके, अब सेकंड सिचुएशन जो कि हम अक्सर फेस करते हैं वो है हमारे सिस्टम पे जितने की हार्ड ड्राइव स्पेस है वो पूरी की पूरी शो ना होना। तो इस सिचुएशन पे आपको वापस डिस्क मैनेजमेंट विंडो को ओपन कर लेना है। फिर इन सभी सेक्शंस पे आपको ढूंढना है क्या इन सभी में से कोई भी अनअलोकेटेड सेक्शन तो नहीं है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे एक है जो कि लगभग 10 GB के आसपास है। एज अ रिजल्ट हमें सिस्टम पे ड्राइव स्पेस 10 GB कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए आपको सिंपली अनअलोकेटेड सेक्शन पर राइट क्लिक करते हुए जाना है न्यू सिंपल वॉल्यूम ऑप्शन पे। फिर इस विंडो में से नेक्स्ट और अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप मेक श्योर कर लीजिए यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर ये सिलेक्टेड है, नहीं तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इस ड्रॉप डाउन मेनू से किसी को भी पिक कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट। यहाँ पे इस वॉल्यूम का कोई भी नाम आप रख सकते हो, वैसे भी ये ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ टीटी डेमो न्यू, देन नेक्स्ट, और फाइनली फिनिश बटन पे क्लिक कर लेना है। चलिए अब विंडोज एक्सप्लोरर को अगेन एक बार ओपन करके देख लेते हैं। एज ए रिजल्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ड्राइव पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं, जिससे कि अब हमें हमारा हार्ड डिस्क का पूरी स्पेस को यूज करने को मिलेगा। ओके, अब थर्ड सिचुएशन जो कि हम फेस करते हैं वो है कभी कभी हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव को हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव सिस्टम पे जो फाइल एक्सप्लोरर है वहाँ पे शो नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव को सिस्टम पे इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो सिस्टम है वो एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आपके सिस्टम पे भी एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, देन आपको वापस डिस्क मैनेजमेंट विंडो को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे कि ये मेरा एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव है, और यहाँ पे जो ड्राइव लेटर पाथ है वो असाइंड नहीं है, इसलिए सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर होता तो फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता। तो आपको सिंपली डिस्क मैनेजमेंट विंडो पे आके चेक कर लेना है यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव पे ड्राइव लेटर पाथ असाइंड है या नहीं। अगर नहीं है फिर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव पे राइट क्लिक कर लेना है। फिर इन सभी ऑप्शन में से चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स,
फिर ये विंडो ओपन होने के बाद एड बटन पे। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन में से असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन इस ड्रॉप डाउन मेनू में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो और फिर ओके। चलिए अब विंडोज एक्सप्लोरर को अगेन एक बार ओपन करके देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव शो होने लगे हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम हर एक सिचुएशन पे हार्ड ड्राइव पार्टीशन नॉट शोइंग और मिसिंग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इशू को फिक्स कर सकते हैं, है ना? बहुत ही सिंपल। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं। और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।